अवार्ड्स के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं और इस कैटेगरी में बाकी अवार्ड्स के लिए मैं अनुरोध करूंगी कि श्रीमती सावित्री देवी जिंदल जी और श्रीमती दीपिका जिंदल जी कृपया मंच पर आएं और हमारे अवार्डीज को सम्मानित करें। हमारे आज के अगले अवार्डी से आपका परिचय कराते हैं, जो एक ऐसे दंपत्ति हैं जो उन लोगों को सशक्त बनाने में जुटे हुए हैं जो दरअसल बोल और सुन नहीं सकते। ज्ञानेंद्र और मोनिका पुरोहित ये कैसे कर रहे हैं, इसकी एक झलक आपको पहले दिखाते हैं। ज्ञानेंद्र मोनिका पुरोहित। इंदौर के ज्ञानेंद्र और मोनिका पिछले 15 साल से ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। इस काम की शुरुआत मुश्किल परिस्थितियों में लोगों की मदद से की गई। ये इनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि इंदौर में अब एक ऐसा पुलिस स्टेशन है जहां साइन लैंग्वेज जानने वाले व्यक्ति नियुक्त हैं। इसके अलावा ज्ञानेंद्र और मोनिका बच्चों के लिए शिक्षा और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए काम भी कर रहे हैं। जो लोग सुन और बोल नहीं सकते उनके लिए बहुत सी फिल्मों को भी इन्होंने साइन लैंग्वेज में डब किया है। अपने इस मिशन से ज्ञानेंद्र और मोनिका हजारों बोल और सुन ना सकने वाले लोगों की जिंदगी में बदलाव ला चुके हैं। ज्ञानेंद्र और मोनिका का मानना है कि सही मायने में शारीरिक तौर पर कमजोर लोगों के जीवन में बदलाव तभी आएगा जब समाज के सभी लोग इनके साथ मिलकर काम करेंगे। स्वागत है ज्ञानेंद्र मोनिका पुरोहित का। तालियों से अभिनंदन करें इस नेक पहल का।